हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू लोटस आयुर्वेद इंडिया। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, घुटनों के दर्द को करें जड़ से खत्म। जी हां फ्रेंड्स, इस औषधि के बारे में बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल लोटस आयुर्वेद इंडिया को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपके हेल्थ से संबंधित सारी जानकारियां लेकर आता हूं, जिसे आप अपनाकर लाभ उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, घुटनों का दर्द एक आम समस्या है दोस्तों, और ये सभी उम्र में हो सकती है, परंतु बुढ़ापे में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं दोस्तों, जैसे वजन का बढ़ना, घुटने पर चोट लगना, अधिक देर तक चलने से, अधिक समय तक एक स्थान पर बैठे रहने से, ऐसे भोजन का सेवन करने से जो पचने में बहुत समय लगाए, इन सभी कारणों से घुटनों में दर्द होता है दोस्तों। जी हाँ, घुटनों के दर्द को जड़ से खत्म करने का उपचार इस प्रकार है दोस्तों। पहला, थोड़ा गर्म पानी लें, उसमें एक चम्मच नमक डालकर किसी कपड़े द्वारा उससे मालिश करने से आराम मिलेगा दोस्तों। जी हाँ। दूसरा, सरसों का तेल लें, उसमें लहसुन बारीक काट कर डालें, उसे गर्म करें, जब तक लहसुन हल्की भूरे रंग की ना हो जाए, उसके बाद उस तेल से मालिश करें, बहुत आराम मिलेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सरसों के तेल में लहसुन बारीक काट कर डाल दें, फिर उसे गर्म करें दोस्तों, जब तक गर्म करें तब तक लहसुन हल्की भूरे रंग की ना हो जाए, फिर उसके बाद तेल से मालिश करें, बहुत ही आराम मिलेगा दोस्तों। तीसरा उपचार, सुबह मेथी दाने के बारीक चूर्ण की एक चम्मच की मात्रा को पानी के साथ सेवन करने से घुटनों का दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सुबह मेथी दाने के बारीक चूर्ण की एक चम्मच की मात्रा को पानी के साथ सेवन करने से घुटनों का दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा दोस्तों, और बुढ़ापे के कारण होने वाले दर्द में यह बहुत उपयोगी है। जी हाँ दोस्तों, बुढ़ापे में होने वाला दर्द में ये बहुत उपयोगी है दोस्तों। इसके अलावा यह स्नायु रोग, बहुमूत्र, सूखा रोग व खून आदि की कमी में बहुत उपयोगी है दोस्तों। जी हाँ, साथ ही साथ स्नायु रोग, बहुमूत्र, सूखा रोग व खून की आदि की कमी को दूर करता है दोस्तों। जी हाँ। चौथा इलाज दोस्तों, सुबह खाली पेट 3-4 अखरोट की गिरी खाने से भी घुटनों का दर्द कम हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, सुबह खाली पेट 3-4 अखरोट की गिरी खाने से भी घुटनों का दर्द चला जाता है दोस्तों। पांचवा इलाज दोस्तों, नारियल की गिरी खाते रहना घुटनों के दर्द को खत्म कर देता है दोस्तों। जी हाँ, नारियल की गिरी को हमेशा खाते रहना घुटनों के दर्द को खत्म कर देता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों। छठवां इलाज, अरंडी के पत्ते और मेहंदी पीसकर लेप करने से घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है। जी हाँ, अरंडी के पत्ते और मेहंदी पीसकर लेप करने से घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है दोस्तों। जी हाँ। सातवां इलाज इस प्रकार है, 6 ग्राम कोच के बीजों को देसी गाय के दूध के साथ 14 दिन तक खाने से घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 6 ग्राम कोच के बीजों को देसी गाय के दूध के साथ 14 दिन तक खाने से घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है दोस्तों। आठवां इलाज, सूखे आंवला को कुट पीसकर 2 गुनी मात्रा में गुड़ मिलाकर बड़े मटर के आकार के गोलियां बनाकर रोजाना 3 गोलियां पानी के साथ लेने से घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, सूखे आंवला को
कूटकर पीसकर दो गुनी मात्रा में गुड़ मिलाकर मटर के आकार के गोलियां बनाकर रोजाना 3 गोलियां खाने से, पानी के साथ खाने से घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे घुटनों के दर्द को जड़ से ख़त्म करने का घरेलू उपाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपके हेल्थ से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आता हूं जिसे आप यूज़ कर अपना इलाज खुद कर सकते हैं और इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स आप अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं दोस्तों, और साथ साथ बीमारियों से संबंधित सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।